खबर बेतिया से है, जहां मरचा धान को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मरचा धान को बिहार के छठे उत्पादन के रूप में जीआई टैग मिल चुका है। बिहार के पश्चिम चंपारण के कई इलाकों में विशेष प्रजाति के मरचा धान की खेती होती है, जिसमें सुगंध और स्वाद पाया जाता है, जिसको लेकर बिहार ही नहीं देश भर में प्रसिद्धि मिली है। जिला प्रशासन की ओर से किसानों के एक समूह के द्वारा लंबे समय से जीआई टैग के लिए प्रयास किया जा रहा था। पश्चिम चंपारण के डीएम दिनेश कुमार राय ने किसानों को जीआई टैग का प्रमाण पत्र वितरण किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर प्रबंधन और मार्केटिंग के लिए सहयोग किया जाएगा। वहीं मरचा धान के उत्पादकों में खुशी है। पश्चिमी चंपारण को मरचा धान के संदर्भ में जीआई टैग मिला है। आप सभी जानते हैं कि मरचा धान का ही चूड़ा होता है, जिसे मरचा चूड़ा या मिर्चा चूड़ा के नाम से संबोधित किया जाता है। 2-2.5 साल के अथक प्रयास के बाद जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह पश्चिमी चंपारण के लिए गौरव की बात है, यहाँ के किसानों के लिए गौरव की बात है और किसानों की इससे समृद्धि बढ़ेगी, अन्य किसान भी इससे प्रेरित होंगे और इस दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन एकदम कृत संकल्पित है और सहयोग किया जाएगा ताकि उनके समृद्धि में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। यह आज का दिन सौभाग्य है पश्चिम चंपारण के लिए और गौरवशाली इतिहास बना आज के दिन विश्व बिहार के लिए कि पश्चिमी चंपारण के किसानों ने अपने कड़ी मेहनत के बदौलत जो लगातार 20 वर्षों से इस मरचा धान की खेती करते थे, आज उनको सफलता मिली है, आज प्रसन्नता हुई है और इसके लिए और बेहतर तरीके से लोग अपना धान का उत्पादन करेंगे और राज्य ही नहीं देश के कोने कोने में अब मरचा चूड़ा की आपूर्ति होगी। यहाँ से यहाँ के कृषकों का उत्थान होगा, यहाँ के कृषकों की आर्थिक उन्नति में काफ़ी प्रगति होगी। सर, ये तो हम किसान उत्पादक संगठन जो हमारा है उसके लिए तो बहुत ही गौरव और खुशी की बात है, हमको ये प्राप्त हो गया है, जिससे हमारा जो मरचा धान है इसका जो है भौगोलिक पहचान पूरी दुनिया में मिलेगा और इसका उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर सकेंगे और इसका उत्पाद बाहर ज़्यादा से ज़्यादा जा सकेगा। बिहार किसान मरचा धान जी, क्या इस पर बताना चाहेंगे? सर, सही में अपने आप में ये जो धान है वो अनोखा धान है। इसका चिवड़ा जो है हर धान के चिवड़ा से अलग होता है। इसके लंबे अवधि तक इसके चिवड़ा का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो सुगंध है, अरोमा है, वो उसको और सभी धानों से अलग करता है। तो बताया जा रहा है सर कि विदेशों से भी इसका ऑर्डर आ रहा है। जी, तो अब तक क्या ऑर्डर आया सर, कहाँ से? ऑर्डर नहीं, वो क्या है कि हमारे जानने वाले जो विदेश में रहते हैं तो जब आते हैं तो हम लोगों को संपर्क करते हैं कि भाई हमको थोड़ा सा मरचा चिवड़ा आप दे दीजिए, तो लेके जाते हैं और वहाँ पर उसको खाते हैं और जब भी लौट के आते हैं फिर कहते हैं कि हमको मरचा चिवड़ा चाहिए। ये ख्याति जो है पूरे दुनिया में फैल रही है और जीआई टैगिंग से इसको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा। आनंद सिंह नाम पड़ेगा और हमारे जो अध्यक्ष इनका नाम लक्ष्मी कुशवाहा पड़ेगा।